हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके की सेकंड सीरीज और इसमें हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जीके के ऊपर और इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। तो हम लोग पहला जो सेगमेंट कवर करने जा रहे हैं इसको बोलते हैं फर्स्ट इन इंडिया। तो इंडिया में पहले स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थे? जी वी मावलकर, याद रखेंगे। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वॉज जी वी मावलकर। फिर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन। तो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और कौन इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया का या फ्री इंडिया का पहला गवर्नर जनरल था? सी राजगोपालाचारी। तो पहले जब ब्रिटिशर्स गए थे तो ब्रिटिशर्स की लिगेसी को कंटिन्यू करते हुए 1947 में चार्ल्स किसको मिला था एज अ गवर्नर जनरल? लॉर्ड माउंटबेटन। और इनके भी जाने के बाद इंडिया की तरफ से पहले सबसे पहले किसने रिप्रेजेंट करा एज एन इंडियन गवर्नर जनरल? सी राजगोपालाचारी। इंडिया के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? मानेकशॉ। फिर कमांडर इन चीफ पहले कौन थे? के एम करियप्पा। बहुत बार ये सवाल पूछे गए हैं, इवन पीसीएस एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछे गए। फिर इंडिया के प्रेसिडेंट पहले कौन थे? तो आपको मालूम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो याद रखेंगे, जिनके ऊपर हम टीचर्स डे मनाते हैं इंडिया में 5 सितंबर को। और तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि वर्ल्ड वाइड टीचर्स डे कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। तो ये आप डेज में याद रखेंगे जहां इम्पोर्टेंट डेज होते हैं। इंडिया में टीचर्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 5 सितंबर, लेकिन वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल टीचर्स डे कब होता है? 5 अक्टूबर को। तो इन्हीं के कमेमोरेशन में, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के कमेमोरेशन में हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं। ही वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन फॉर भारत रत्न, वो पहला स्पोर्ट्समैन जिसको भारत रत्न मिला, सचिन तेंदुलकर द लीजेंड। फिर इंडिया की तरफ से पहला नोबेल प्राइज किसको मिला? नोबेल प्राइज मिला किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में मिला था लिटरेचर के लिए। और इनके लिटरेचर का क्या नाम था? गीतांजलि। और एक और चीज बता दें, नोबेल प्राइज किन, इसके ऊपर सवाल बनता है, नोबेल प्राइज किन 6 फील्ड में दिया जाता है? पहली चीज तो ये कि 6 फील्ड्स में ये कन्फर करा जाता है। तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में नहीं है, मेडिसिन में, फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन। फिर लिटरेचर में, इकोनॉमिक्स में और पीस, नोबेल पीस प्राइज। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन, फिर लिटरेचर के लिए इनको मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स के लिए और नोबेल पीस प्राइज, तो इन 6 फील्ड के लिए नोबेल प्राइज मिलता है। फिर प्रेसिडेंट ऑफ, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस, तो WC बैनर्जी। फिर फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर, मतलब ऐसी कोई लेडी जो पहली बार चीफ मिनिस्टर बनी हो, सुचेता कृपलानी। फर्स्ट विमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये रिसेंट में ही थी, विमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, श्रीमती मीरा कुमार, ठीक है। और पहले स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थे? जी वी मावलकर। और इस समय करेंटली स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है, सोचना पड़ेगा आपको, मिस्टर ओम बिरला, जो करंट लोकसभा स्पीकर है। तो ये एक टॉपिक हो गए, फर्स्ट इन इंडिया की ग्लिम्स हो गई। अब बात करते हैं इंडिया कौन कौन से एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है, ये देखते हैं मेन। तो यूनाइटेड नेशन 1945 में एस्टैब्लिश हुआ था और इंडिया शुरू से ही इसका मेंबर है। फिर ब्रिक्स, ये पहले ब्रिक था और अब ये साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हो गया है। तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और बाद में साउथ अफ्रीका ऐड हो गया। तो पहले ही ब्रिक था, नाउ दिस इज ब्रिक्स। तो इसका मतलब ये है कि जो डेवलपिंग नेशन है, लेकिन फास्ट डेवलपिंग नेशन है, जो अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग में आ गए और डेवलपिंग से कुछ ईयर्स में मे बी डेवलप्ड की कैटेगरी में आ सकते हैं, उनका एक एसोसिएशन है ब्रिक्स। फिर इंडिया के नेबरहुड, इसको हमने लास्ट वीडियो में भी कवर करा था, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, ये 1985 में एस्टैब्लिश हुआ था। फिर जैसे सिविल फ्रंट्स पे कंट्रीज में आपस में वॉर ना हो, तो इसके लिए कौन होता है? यूनाइटेड नेशन होता है। ऐसे ही वर्ल्ड ट्रेड में आपस में वॉर ना हो, तो ट्रेड लोगों का बढ़िया से चलते रहे कंट्रीज का, तो इंटर कंट्री या इंटरनेशनल कम्युनिटी के ट्रेड वाले बैरियर्स को हटाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये ध्यान रखेंगे। फिर वर्ल्ड की टॉप 20 इकोनॉमीज का एक ग्रुप है, उसको बोलते हैं G20, ग्रेट 20, वर्ल्ड की टॉप 20 कंट्रीज का ग्रुप है। फिर एक और ग्रुप हुआ करता था G7, उसमें वर्ल्ड की केवल टॉप 7 कंट्रीज थी, इंडिया और चाइना दोनों नहीं थे, याद रखना है आपको, ठीक है। तो वर्ल्ड के G7 के ऊपर थोड़ा बहुत आप जरूर अलग से भी पढ़ लेंगे। तो G7 हुआ,
फिर बाद में उसमें रशिया को इंक्लूड करा गया तो फिर वो G8 हो गया, ग्रुप ऑफ एट, ठीक है, इंडिया इसमें नहीं है, याद रखना है। फिर उसमें बाद में 5 कंट्रीज और एड करेगा, इंडिया और चाइना को भी इन्वॉल्व करा गया, तो इंडिया किसका मेंबर है, इस पूरे ग्रुप का नाम है G8+5, तो इंडिया G8+5 का मेंबर है। अच्छा थोड़ा बात कर रहे थे लैंड एरिया का, तो इंडिया का जो लैंड एरिया है वो है 3,28,000, अगर बात करें 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, तो इंडिया का जो लैंड एरिया है दैट इज 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ये इंडिया का लैंड एरिया है, ठीक है। यूपी की थोड़ी बात कर ले, तो यूपी 1950 तक ये जाना जाता था यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से, किस नाम से, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से। फिर उत्तर प्रदेश ये कब एस्टैब्लिश करा गया ऑफिशियली, ये नाम कब आया, 24 जनवरी 1950 को। और अभी की बात करें तो यूपी में देयर आर 75 डिस्ट्रिक्ट, कितने डिस्ट्रिक्ट है 75। फिर अगर बात करें एरिया वाइज इंडिया में फर्स्ट 3 स्टेट्स कौन कौन से एरिया वाइज, लैंड एरिया वाइज, तो राजस्थान नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश है, नंबर 3 पे महाराष्ट्र है। तो एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट अगर देखा जाए तो राजस्थान फॉलोड बाई एमपी एंड महाराष्ट्र। अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो डेफिनेटली यूपी नंबर 1 पे है, यूपी अगर ऐसा सेपरेट कंट्री भी होता तो वर्ल्ड में पॉपुलेशन के हिसाब से 7th नंबर पे होता। तो पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूपी की है, उसके बाद महाराष्ट्र की है, और उसके बाद बिहार की है। तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, इन सबको रिव्यू कर लेंगे, अपने घर में जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, छोटे भाई बहन हैं, या किसी से आप इनको शेयर भी कर सकते हैं, ध्यान रखें। थैंक यू।